नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। आज मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए इस भाग में एडिक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। पहले भाग में मैंने आपको एडिक्शन क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या है और किस किस प्रकार का एडिक्शन है, इसके बारे में जानकारी दी थी। अब मैं एडिक्शन पार्ट टू में आपको एडिक्शन की वजह से शरीर और मन पे क्या क्या असर हो सकता है या उसकी क्या क्या बीमारियां होती है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। अब शारीरिक बीमारियां क्या क्या होती है। पहला है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वास, जो सांस हम लेते हैं उस पे या फिर लंग्स पे होने वाला इफेक्ट। कोकेन या फिर सिगरेट, इसकी वजह से हमारे श्वसन में फर्क पड़ सकता है, लंग्स पे इफेक्ट हो सकता है। CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है। हार्ट प्रॉब्लम शुरू होना या फिर BP का प्रॉब्लम शुरू होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। तीसरा है किडनी पे फर्क असर पड़ता है। ज़्यादातर जो इनहेलेंट्स होते हैं या फिर हीरोइन है, इसकी वजह से किडनी पे असर होता है। लीवर डैमेज हो सकता है, दारू की वजह से मैक्सिमम लीवर डैमेज होता है। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आना, यानी हमारी सोचने की ताकत कम होना, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन कम होना या फिर समझ हमारी कम हो जाना, पैरालिसिस का अटैक, फीट का प्रॉब्लम, ऐसी अलग अलग तकलीफ शुरू हो सकती है। हमारा मैक्सिमम लोगों को जो इंजेक्शंस लेते हैं उनको HIV होने के चांसेस होते हैं, और जो व्यसन करते हैं उनको ऐसा पाया गया है कि कैंसर होने के चांसेस बाकी लोगों की तुलना बढ़ जाते हैं। तो ये थे शारीरिक परिणाम। अब मानसिक परिणाम क्या क्या होते हैं। जो व्यसन करते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि इनको एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना या फिर धड़धड़ जिसको बोलते हैं, पूरा टाइम ऐसा घबराहट होते रहती है। दूसरा है मूड डिसऑर्डर्स, यानी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इसमें कभी कभी ज़्यादा उत्साह रहता है या कभी कभी डिप्रेशन रहता है, या डिप्रेशन प्रॉब्लम यानी नैराश्य जिसको बोलते हैं वो शुरू हो सकता है, या फिर नींद का प्रॉब्लम शुरू होता है। काफ़ी लोगों में नींद ही नहीं आती है, नशा करने के बाद भी नींद नहीं आती और नशा नहीं किया तो भी नींद नहीं आती, तो ऐसे कुछ मानसिक तकलीफें हमको दिखती हैं। इसके साथ हेलुसिनेशंस यानी भ्रम होना या फिर शक करना, पैरानोइया, ये भी शुरू हो सकता है। अब ये तो हो गए शरीर और मन की तकलीफें, इसके साथ हमारा सोशल जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब होता है, हमारा वर्क प्लेस डिस्टर्ब होता है क्योंकि वहाँ हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, घर में क्लेश कलह बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं, मारपीट बढ़ जाती है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमें पैसा कम पड़ने लगता है क्योंकि आधा पैसा तो व्यसन करने में निकल जाता है। तो ये सब की वजह से हमें प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि जो व्यसन करने वाला व्यक्ति है उसकी कितनी तैयारी है। उसे पहले ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे आदत लग चुकी है और मुझे इससे पूरा बाहर आना है। इसके लिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, उसके साथ साथ साइकोथेरेपी, सोशल जो रिलेटिव्स का सपोर्ट, ये भी ज़रूरी है। मेडिकल अगर खुद की, पेशेंट की खुद की तैयारी हो इसे बाहर निकलने की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट काम में आती है। उससे भी ऊपर अगर हम चाहे तो व्यसनाधीन व्यक्ति को अगर हम रिहैब सेंटर एडमिट करें जहाँ 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन है साइकेट्रिस्ट का या प्रोफेशनल्स का, वहाँ अच्छी उनकी देखभाल हो सकती है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि विड्रॉल आना या नींद ना आना या चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, ये बढ़ जाता है
या किसी किसी लोगों में साइकेट्री प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और इसके लिए हमें प्रॉपर एडमिट होके ट्रीटमेंट अगर हम लें तो इससे फर्क ज़्यादा अच्छा और जल्दी पड़ता है। हमें क्रेविंग भी नहीं होती है, नहीं तो काफ़ी लोगों में रह रह के उस नशे की इच्छा होती है, उसकी इच्छा की वजह से फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अगर हम रिहैब सेंटर में रहे तो वहाँ पूरा टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे और ये प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी। इसके साथ साइकोथेरेपी या काउंसलिंग सेशंस, जिसमें ग्रुप काउंसलिंग होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी इसके लिए काफ़ी हमें मदद करता है। इसी के साथ अगर रिलेटिव्स का भी काउंसलिंग हो, क्योंकि रिलेटिव्स ये पेशेंट की सपोर्ट सिस्टम होती है, पेशेंट के साथ साथ रिलेटिव ने अगर इसमें अपना योगदान दिया तो पेशेंट को इसमें से पूरी तरह बाहर आने के लिए मदद होगी। काउंसलिंग सेशंस में रिलेटिव्स को कैसा बर्ताव करना है पेशेंट के साथ, उसके साथ कैसा रहना है, उसे क्या प्रोवाइड करना है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये सब होने के बाद एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि अगर व्यसनाधीन व्यक्ति पूरी तरह बाहर निकल गया है तो वापस वो जगह पे ना जाए या वापस वही रास्ते पे निकल ना पड़े। इसको हम कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स प्रिवेंशन में तीनों लोगों ने बड़ी कंसिस्टेंसी में काम करना चाहिए, जो कि पेशेंट, साइकेट्रिस्ट, प्रोफेशनल या फिर रिलेटिव, ये तीनों ने अगर अच्छे से काम किया तो इसमें से रिलैप्स यानी वापस वो व्यक्ति का वो व्यसनाधीन होना रुक सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में पूरी तरह जानकारी पहुँचे, और जो गलतफहमी लोगों में साइकेट्री को लेके फैली हुई है वो कम हो जाए। अभी आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप हमें हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का नंबर है 9503309619। नमस्कार।